आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि परवलय y की घात 2 = 4ax की उन सभी जीवाओं जो शीर्ष पर समकोण बनाती हैं, उन सब पर शीर्ष से डाले गए लंबों के पाद का बिंदुपथ है। एक से अधिक विकल्प सत्य हैं। यहाँ पर x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 4ax बराबर 0, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2ax बराबर 0, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2ax बराबर 0, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 4ax बराबर 0। इन चारों में से हमें बताना है कि सही उत्तर कौन से होंगे। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे यहाँ पर चलते हैं। ये हमारे पास एक परवलय दिया है y की घात 2 बराबर 4ax। ठीक है, हमें ये परवलय दिया हुआ है, तो चलिए पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूँ। उस चित्र के बेसिस पर हम यहाँ पर समझेंगे आगे की कहानी को। ये हमारा रहा परवलय। ठीक है, ये है हमारा परवलय। परवलय में क्या हो रहा है कि हम इसने बोला है कि जीवाएं है ना, सभी जीवाएं जो शीर्ष पर समकोण बनाती हैं। तो मान लिया मैंने कि यहाँ पर एक जीवा है, इस तरीके से एक जीवा मैंने यहाँ पर ले ली और ये जीवा हमारा जो बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, उस पर क्या बना रही है, यहाँ से समकोण बना रही है। तो ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से समकोण बना रही है तो ये रहा हमारा समकोण। ठीक है, तो ये हमारे पास बिंदु था 0,0, इसको O बिंदु बोल देता हूं मैं इसको P बिंदु बोल देता हूं, इसको मैं Q बिंदु बोल देता हूं। ठीक है, तो P के निर्देशांक मैंने मान लिए, P के निर्देशांक AT1 की घात 2, 2AT1। ठीक है, यहां पर मान लिया मैंने AT2 की घात 2, 2AT2। ठीक है, इस तरीके से मैंने पी क्यू बिंदु यहां पर मान लिए हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ओपी की ढाल गुणा ओ क्यू की ढाल बराबर कितना होगा, बराबर -1 होगा। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के साथ समकोण पर अगर वो मिलती हैं तो उनकी ढाल का जो गुणा है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ढाल कैसे आएगी, ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होगा कि y2 - y1 मतलब 2at1। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2at1 बटे यहाँ पर आ जाएगा at1 की घात 2। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, 2at2 बटे यहाँ पर आ जाएगा at2 की घात 2 बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे इसको हल करते हैं। ये बनेगा मेरे पास, देखो t1 से एक t1 कटेगा, a से एक कटेगा, तो मेरे पास ऊपर 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 बटे यहाँ एक t1 कटा t2, तो ये बन गया मेरे पास t1 × t2। ठीक है, बराबर -1, तो यहां से मुझे क्या मिला कि t1 × जो t2 है वो हमारा -4 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिल गई, इसको अभी अपन आगे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसने पूछा क्या है हमें कि शीर्ष से जो लंब डाला गया है हमारा, शीर्ष से जो लंब डाल रहे हैं हम किस पर, जीवा पर, उसके पाद का बिंदुपथ क्या है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इधर डाल दीजिए, लंब डाल दो इस पर, यहां से एक लंब डाल दिया हमने। ठीक है, अगर ये मैंने यहां पर लंब डाला तो इसके जो केंद्र हैं, इसको M मानता हूं, इसके बिंदु हैं वो है H, K। मान लिया इसके जो बिंदु हैं वो कितने हैं, H, K। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि H, K, तो OM की जो ढाल है और PQ की जो ढाल है वो एक दूसरे के साथ समकोण पे मिल रही है, तो वो उनका गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो अब मैं यहां पर दूसरा समीकरण क्या बनाऊंगा, मैं दूसरा समीकरण ये बनाऊंगा कि OM की ढाल गुणा PQ की ढाल बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो OM की ढाल क्या आ जाएगी, OM की ढाल तो आएगी K/H आएगी सीधा सीधा गुणा। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर PQ की ढाल कैसे आएगी, 2AT1 - 2AT2, ये हो गया हमारा y2 - y1 हो गया। ठीक है, बटे यहां पर आ जाएगा AT1 की घात 2 - AT2 की घात 2
बराबर कितना, माइनस का एक। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखो हल करता हूं, ए ए कॉमन आएगा, ए ए मैंने कॉमन लिया, नीचे से भी ए ए मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास यहां पर क्या बनेगा समीकरण, ये बनेगा के बटा एच गुणा, ठीक है, दो बाहर आएगा, यहां पर बन जाएगा मेरे पास टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू बटे, यहां पर आ जाएगा मेरे पास टी वन की घात दो माइनस टी टू की घात दो बराबर माइनस का एक। अब आगे ये क्या बन जाएगा, ये आएगा मेरे पास के बटा एच गुणा, ठीक है, दो यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास टी वन माइनस टी टू, ठीक है, बटे बटे, ये देखो ए की घात दो माइनस बी की घात दो क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास टी वन माइनस टी टू, ठीक है, ये आ गया, और दूसरे में क्या बन जाएगा टी वन प्लस टी टू, ठीक है, टी वन प्लस टी टू, और ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, माइनस एक के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये टी वन माइनस टी टू वाला पार्ट कट जाएगा, तो अब हमारे पास यहां पर क्या आ गया, हमारे पास यहां पर आ गया के बटा एच बराबर मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, माइनस टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन प्लस टी टू बटे दो, बटे दो, ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण यहां पर आ चुका है। ओके, अब देखिए ये हमने क्या करा था, ये हमने ढाल यहां पर बना दिया था इस तरीके से, और ऊपर वाले से हमें टी वन गुणा टी टू बराबर माइनस का चार मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे मैं क्या करूंगा, पी क्यू का मैं समीकरण लिखूंगा, ठीक है, तो पी क्यू का समीकरण कैसे आएगा यहां पर देखें, पी क्यू का समीकरण, पी क्यू का समीकरण क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा वाई माइनस वाई वन, तो मैं इसको ले लेता हूं दो ए टी वन बराबर, ढाल आएगी, ढाल अभी हमने निकाली हुई है, ढाल यहां पर निकाली हुई है हमने, देखो ये हमने ढाल निकाली थी दो बटा टी वन प्लस टी टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास ढाल दो बटा टी वन प्लस टी टू आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन की जगह ए टी वन की घात दो, ठीक है, अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं, अगर मैं ऐसे गुणा कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, वाई गुणा यहां पर आएगा टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, और जब ये टू ए टी वन का गुणा करूंगा तो माइनस टू ए टी वन की घात दो माइनस टू ए टी वन टी टू, टी वन टी टू बराबर यहां पर आ जाएगा दो एक्स माइनस दो ए टी वन की घात दो। अब देख रहे देखेंगे हम यहां पर कि ये टू ए टी वन की घात दो ये दोनों कट जाएंगे, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, वाई टी वन प्लस टी टू बचा हुआ है और ये वाला पार्ट बचा हुआ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो y टी वन प्लस टी टू यहां पर ऐसे ही रहेगा, टी वन प्लस टी टू ऐसे ही रहेगा बराबर, मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा देखो दो एक्स, अच्छा ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा दो ए, अच्छा टी वन टी टू की जगह माइनस चार रख दूंगा मैं, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास y टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू यहां पर आ गया मेरे पास टी वन प्लस टी टू बराबर यहां पर आ जाएगा दो एक्स माइनस आठ ए, माइनस आठ ए, ठीक है। अब आगे यहां पर मैं क्या कर दूंगा, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला समीकरण से क्या बना मिला मुझे, ये आ जाएगा मेरे पास दो एक्स माइनस आठ ए, माइनस आठ ए बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बटे में मेरे पास वाई आ जाएगा, ठीक है, तो ये हम समीकरण नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, दो नाम दे सकते हैं, हमारा पहला क्या आया था देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आया था ये वाला एच बटा के बराबर, हमारे पास यहाँ पे समीकरण एक आया था, ठीक है, और यहाँ पर भी टी वन प्लस टी टू बटा दो आया था, ऐसे करके ये लिखा हुआ था यहाँ पर भी। अच्छा अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि ये जो एक्स और वाई है इन्हें हम क्या लिख देंगे, एच कोमा के, क्योंकि एच कोमा के बिंदु जो है वो इसके ऊपर है, एच कोमा के पी क्यू पर है, पी क्यू रेखा पर है, रेखा पर है, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर कि टी वन प्लस टी टू जो है वो दो एच माइनस आठ ए बटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो समीकरण दो ही है ये हमारा, समीकरण एक और दो से देखो टी वन प्लस टी टू का मान मैं उसमें रख देता हूं, के बटा एच बराबर माइनस माइनस टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा दो एच माइनस आठ ए, ठीक है, बटा के,
बटे, और उसमें एक और था बटे में टू था, तो बटे में यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, बटे में टू लिख दूंगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, हलो के ये आएगा के बटा एच बराबर, यहां से आ गया मेरे पास माइनस का एच माइनस चार ए, एच माइनस चार ए बटे के, बटे के। तो अब के को यहां पे गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम यहां पर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे देखो, अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो के की घात दो बराबर यहां पर आएगा माइनस एच की घात दो प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस चार ए एच, चार ए एच बन जाएगा। तो अगर ये चार ए एच बन जाएगा तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स और वाई में रिप्लेस कर दूंगा, तो आ जाएगा वाई की घात दो प्लस एच को इधर ले जाओ एक्स की घात दो, और जब इसको भी ले जाएंगे तो माइनस चार ए एच। ठीक है, चार ए एच, तो एच एच की जगह पे हम क्या लिख चुके हैं, एक्स लिख चुके हैं, चार ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर आया था हमारे पास माइनस का चार ए एक्स माइनस चार ए एक्स बराबर शून्य। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।